जनरली लोगों को ये लगता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सिर्फ उन बच्चों में डील करता है जिन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, उन्हें जुवेनाइल जनरली कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें और भी कई एस्पेक्ट हैं। देखिए समझते हैं इस एक्ट के स्ट्रक्चर को, समझते हैं किन चीजों में ये डील करेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन इसके प्रियम्बल पे आए तो यहां ये चीज बताई गई है कि ये एक्ट किन लोगों में डील करेगा या किन बच्चों की बात ये एक्ट करेगा। तो यहां सबसे पहले देखिए किन से रिलेटेड लॉ है, चिल्ड्रन एलिज्ड एंड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। चिल्ड्रन एलिज्ड एंड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ वो बच्चे हैं जिनके ऊपर या तो एलिगेशन लगा है कि इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, या फिर उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है या पाया गया, कन्विक्टेड, या तो अक्यूज किसी ऑफेंस के या फिर दे हैव बीन फाउंड गिल्टी। उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उनके लिए टर्म क्या यूज किया गया है इस एक्ट में, तो उनके लिए टर्म यूज किया गया है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। लॉ के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज दे हैव वायोलेटेड दी लॉ, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। दूसरी कैटेगरी जिनके साथ ये एक्ट डील करेगा वो है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ऐसे बच्चे जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसा नहीं कि जिन्होंने ऑफेंस किया है या जिनके अगेंस्ट ये एलिगेशन है कि इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, सिर्फ उनमें डील करेगा ऐसा नहीं है, उन लोगों में भी डील करेगा। जैसे आप देखते हैं ना अबैंडन बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, छोटे बच्चे जिनका कोई नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, कोई उनके केयर करने के लिए नहीं है, ऐसे बच्चों को भी केटर करेगा ये एक्ट, उनका भी ध्यान रखेगा। इसीलिए इस एक्ट को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक वो प्रोसीजर कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ आपको क्या करना है और इससे रिलेटेड अथॉरिटी कौन है। तो देखिए चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को डील करने के लिए जो अथॉरिटी है, एक तो आपका है जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो गया आपका एक, और एक है आपका चिल्ड्रंस कोर्ट। ये दो मेजरली अथॉरिटीज हैं जो किनके साथ डील कर रही हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिन्होंने ऑफेंस किया है या जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया, उन लोगों से डील करने के लिए क्या क्या है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट है। ऐसे बच्चे जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है उनके लिए कौन है, उन्हें कौन वो केयर और प्रोटेक्शन दिलाएगा, तो इन बच्चों के लिए चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन देर इज एन अथॉरिटी कॉल्ड दी चाइल्ड केयर कमिटी। ये है चाइल्ड केयर कमिटी जो इन बच्चों का ध्यान रखेगी, वो एक सेपरेट अथॉरिटी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक अलग है और उसी के ऊपर अथॉरिटी होगी चिल्ड्रंस कोर्ट, उसके अलग फंक्शन है दोनों के। और बच्चों का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चों का भी ध्यान ये एक्ट रख रहा है, तो उसके लिए चिल्ड्रन केयर कमिटी बनाई गई है, उनके बारे में यहां पूरा दिया हुआ है। तो ये बेसिकली दो चीजें हैं जो कि ब्रॉडली इस एक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये दोनों कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो भी दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे उन्होंने ऑफेंस कमिट किया हो, उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगे कि उस बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया, या कोई भी ऐसा बच्चा जिसे केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि अबैंडन्ड है या ऑर्फन है या ऐसा है जिसके पेरेंट्स या उससे रिलेटेड उसके जो गार्जियन है, अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं या कोई भी लीगल रिप्रेजेंट, वो उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस तरीके के जो बच्चे हैं उनको केयर की जरूरत है, तो इनके लिए एक चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी होगी या चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होगी जो इनके साथ डील करेगी। और जैसा मैंने बताया चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपके पास ऑलरेडी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। ठीक, अब ये दो बातें तो हो गई कि एक बात ये समझनी हमें जरूरी है कि दोनों कैटेगरी में आने वाले जो बच्चे हैं जिन्हें केयर की जरूरत है या जिन्होंने ऑफेंस किया, जिन पे एलिगेशन लगा है, दोनों का फ्यूचर तो आपको सिक्योर करना है, क्योंकि यहां किन लोगों की बात हो रही है, किन बच्चों की बात हो रही है जो 18 साल तक के हैं। ये चीज तो जनरली भी आप जानते हैं कि उन लोगों की बात हो रही है जिनकी उम्र 18 साल या उससे कम है, तो अब आने वाला जीवन उनके सामने है ऑलरेडी। अब अगर ये भी है कि दे हैव कमिटेड एन ऑफेंस और समथिंग लाइक दैट, तो भी उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए सुधरने का। उन्हें हम एट पार ट्रीट नहीं कर सकते विद हार्डकोर क्रिमिनल्स,
उनकी तरह उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उनके साथ रखा नहीं जा सकता। नहीं तो पता चला है कोई बच्चा है 17 साल का जिसने एक ऑफेंस कमिट किया है, अब आप उसको हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रख देंगे तो शायद आगे चल के वो वैसा ही क्रिमिनल या उस तरीके की टेंडेंसी एक्वायर कर ले, क्योंकि ये जो एज है एक बड़ी ही टेंडर एज है, एक ऐसी एज है जहां बहुत केयर की जरूरत है बच्चों को, इसीलिए ये अलग सारा प्रोसीजर है। और इतने से काम नहीं चलेगा कि उसके ऊपर एलिगेशन है या वो कोई ऑफेंस कमिट करके आया, आपने कोई सजा सुना दी उसे, ना। सजा भी कैसी होनी चाहिए, जहां स्कोप हो उसके रिहैबिलिटेशन का, कि उसका रिहैबिलिटेशन हो पाए, दोबारा वो सोसाइटी में एज अ नॉर्मल सिटीजन सर्वाइव कर पाए, ये मौका हमें उसे देना है। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस एक्ट, और उसके लिए भी यहां चीजें हैं।